कटिहार के सालमारी में हुए राजद नेता निर्मल बबुना हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी संतोष चौधरी उर्फ टारजन अपने तीन अन्य साथियों के साथ हुआ गिरफ्तार, भेजा गया जेल। मुख्य आरोपी अब भी है फरार। नमस्कार, मैं आमिर इस्तकबाल करता हूं केटीएन न्यूज में। सालमारी गोपी क्षेत्र में बीते वर्ष 2021 में 3 अप्रैल को स्थानीय निवासी राजद नेता सह कपड़ा कारोबारी निर्मल बबुना की उनके घर के पास गोलियों से छन्नी कर हुई थी हत्या। मामले में पटना एसटीएफ टीम ने मुंगेर और सालमारी पुलिस के सहयोग से कांड में शामिल फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी संतोष चौधरी उर्फ टारजन अपने तीन अन्य साथियों के साथ हुआ गिरफ्तार, जिसे पूछताछ के बाद सालमारी पुलिस ने सोमवार को जेल भेज दिया। बबुना हत्याकांड में मुख्य आरोपी शंकर यादव उर्फ रोमियो अब भी है फरार, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पूर्णिया एवं कोसी रेंज के विभिन्न थानों की पुलिस कसरत कर रही है। इससे भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पुलिस का है दावा। पटना से पहुंची एसटीएफ टीम ने मुंगेर के बड़ियारपुर थाना क्षेत्र के पोस्ट ऑफिस टोला में छापेमारी कर कटिहार जिले के सालमारी पुलिस की तरफ फरार चल रहे 25,000 के इनामी अपराधी संतोष चौधरी उर्फ टारजन को उसके घर से किया गया है गिरफ्तार। टारजन के अन्य दो साथीदार को लोहा पुल पडिया निवासी दीपक मंडल उर्फ आकाश व पोस्ट ऑफिस कटिहार निवासी पुलिस कुमार को भी गिरफ्तार किया है, तो तीसरे साथीदार को कटिहार जिले के बलिया बेलौन थाना क्षेत्र के बठौड़ा से किया गया है गिरफ्तार। मुंगेर से गिरफ्तार बीते दिन 3/4/21 को सलमारी के एक निर्मल बमना की हत्या हुई थी। उस हत्या में त्वरित कार्रवाई करते हुए उच्चताधिकारी को हम लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे थे। उसमें कुछ पदकर्मी थाना चल रहे थे, जिसके थाना अध्यक्ष आपका सलमारी विजय कुमार और सलमारी यूपी के आपका ही विजय कुमार मिश्रा और एसटीएफ की टीम के सहयोग से इन्हें मुंगेर से तीन आदमी को गिरफ्तार किया गया। जिसमें तीनों आदमी उत्कांड में नेमिंग है और इन लोग एक कहा जाए तो जो आपका संतोष चौधरी उत्तराजन है या मेन शूटर है और इन लोगों के द्वारा हत्या किया गया था और लूटपाट भी किया गया था। इन लोगों को हम लोग उत्कांड में जेल भेज रहे हैं और भी इस कांड जेल भेज रहे हैं और भी इस कांड में जो फरार चल रहे हैं उनका गिरफ्तारी हम लोग शीघ्र कर लेंगे।